मैं एक मीटिंग में डिसाइड किया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जनता के बीच में रह के अपनी व्यस्तता के और कारणों के कारण हमें सही से जानकारी देने में कहीं ना कहीं असफल रहते हैं। तो मैंने एडिशनल एसपी एसडीपीओ विजयपुर एसएचओ विजयपुर हमारे म्यूनसिपल काउंसिल के अधिकारी ट्रैफिक के अधिकारी डीएसपी ट्रैफिक खुद तो हमने यहाँ पर पुलिस स्टेशन विजयपुर से शुरू करके एक रूट मार्च या पेट्रोलिंग कह ले निकाला और जिसमें हमने पूरे बाज़ार का एक दौरा किया और बाज़ार में जितने हमारे इम्पोर्टेंट लोग थे चाहे वो केमिस्ट हों या शॉप ओनर्स हों तो उनसे हमने एक फीडबैक लेने की कोशिश की, उनकी प्रॉब्लम सुनने की कोशिश की। काफ़ी अच्छे उन्होंने सजेशंस दिए, चाहे वो ट्रैफिक को लेके हों, सिक्योरिटी को लेके हों, सेफ्टी को लेके हों। कुछ चीज़ों के बारे में हमने भी उनको अवेयरनेस दी, जैसे हम नशा मुक्त अभियान की बात करते हैं तो उस पर हमने उनसे बात की या ट्रैफिक रेगुलेशन को लेके बात की। उन्होंने सुझाव भी दिया आगे आने वाले समय पर ट्रैफिक जो विजयपुर में एक कंप्लेंट रहती है उसको हम कैसे इसका एक हल निकाल सकते हैं जो सबको एक्सेप्टेबल भी हो। उसके अलावा एक जनरल अवेयरनेस जिसको कहते हैं एरिया की, वो लोगों को लगा कि पुलिस हमारे साथ खड़ी है और एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इसको कह सकते हैं कि लोगों को ये विश्वास दिलाया गया और उनका विश्वास बढ़ा है। काफ़ी लोगों ने सराहनीय कदम इसको बताया और तारीफ़ की और मैं यही निवेदन करूँगा सबसे कि आने वाले समय पर कोई भी क्राइम होने से पहले ही हम प्रिवेंट कर लें, उसकी सूचना अगर हमारे पास समय होते मिल जाए तो जितने हमारे नागरिक हैं, मीडिया के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि हम आगे आके आएँ और एक टीम की तरह एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम काम करेंगे और इसको अभियान को आगे भी जारी रखें।